Assalamu alaikum and welcome back to my channel and welcome to another vlog, another day. आई होप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे. और मैं भी कल आने के बाद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. इतने काम थे, आके पैकिंग ओपन किए, सारी सारा घर समेटा है. मतलब घर तो बिल्कुल साफ सुथरा था सर ने, माशाल्लाह ऐसे घर मेरा चमका के रखा हुआ था ना, इतना मैं अच्छा छोड़ के भी नहीं गई थी जितना अच्छा साफ सुथरा मेरा घर मुझे मिला है. तो खैर, आके मैंने जो अपना खलारा डाला था ना वो सारा समेटा है मैंने. और आज की जो है ना वो मैं इफ्तार बनाने लगी थी. इस टाइम ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, मैं इफ्तारी स्टार्ट करने लगी थी लेकिन मुझे हसन की फ़ोन आ गया कि जो मेरी सिस्टर लॉय है उन्होंने हमें बुलाया है इफ्तार की दावत पे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली हमसे मिलना भी था. मैं काफ़ी दिनों बाद पाकिस्तान से आई हूँ, तो एक तो उन्होंने उसके लिए बुलाया कि मिल भी हो जाएगा और इफ्तार की दावत भी हो जाएगी, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक बार. तो आज की इफ्तारी मैं घर पर नहीं बना रही, मैंने सोचा था कि अच्छा मेरा इफ्तार का जो है ना रमज़ान सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, बट आज भी स्टार्ट नहीं हो रही. पिछले इतने दिनों से मैं नहीं कर रही रमजान की सीरीज, आज पहला इफ्तार का ये व्लॉग होने वाला है वापसी के बाद. लेकिन खैर आज भी नहीं बनेगा, तो आज ये है कि उनके घर की जो इफ्तारी है ना मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी. तो अभी मैं रेडी होने लगी हूँ, हसन आते हैं तो हम लोग बस थोड़ी देर में निकलते हैं, क्योंकि मतलब टाइम ऐसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता. तो 6:30 यहाँ पे रोज़ा खुल जाता है माशाल्लाह. पहले बहुत लेट खुलता होता था गर्मियों में, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम पीछे आ रहा है तो जल्दी खुल जाता है. तो खैर अभी मैं रेडी होके बच्चों को रेडी करती हूँ, उसके बाद हसन का वेट करेंगे, हसन के साथ चलेंगे सिस्टर लॉ के घर और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाऊंगी क्या इफ्तारी की दावत है, कैसा होता है सारा कुछ, सीन क्या है और क्या क्या बना हुआ है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी. लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन. क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा गला खराब होता है फिर भी मैं ब्लॉग जरूर करती हूँ. आई नो पिछले दिनों मैंने थोड़ी सी लेजीपन दिखाया है ब्लॉग अपलोड करने में, मेरे पास इतने ब्लॉग्स पड़े हुए थे ना पाकिस्तान के लेकिन अपलोड नहीं कर सकी. इतना शॉर्ट टाइम था, कभी तो जा रही कभी तो जा रही हूँ, अपलोड करने का एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था. लेकिन खैर इंशाल्लाह अब से रमज़ान सीरीज जो है ना वो स्टार्ट हो रही है और एवरी डे आप लोगों को मेरा व्लॉग देखने को मिलेगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह आप भी बस दुआ करें, रोजे में दुआ करनी है कि मैं बस अपना रेगुलर कंसिस्टेंस रहूँ अपने व्लॉग को लेके. तो खैर अभी चलते हैं, रेडी होते हैं, असल का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं मेरे सिस्टर लॉ के घर की तरफ, इफ्तारी करते हैं जाके. आपकी की तरफ आ गए थे तो आज हमारी दावत शावत है तो इसलिए सब लोग तैयारी शैरी कर रहे हैं अभी. तो रोज़ा खुलने में थोड़ी सी देर रहती है, सब लोग आई थिंक उधर इतने क्या करने गए हैं. तो अभी खाना शाना लग रहा है, खाना लगता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. माशाल्लाह काफ़ी कुछ आप पीने बनाया हुआ है आज. तो ज़ैनब आई थिंक ऊपर अभी आई नहीं है, ज़ैनब आती हूँ उसके भी मिलवाती हूँ, सबसे वैसे मिलवाती हूँ. मेहंदी लगवा रही है, मेरी छुड़वा दी है इसने और कह रही मैंने लगानी है. माने ने मेरे से इतनी सी लगाई है बेचारी ने अभी. इस टाइम में लगा रही, डोंट मूव. ओके डोंट मूव, ओके यू डोंट हैव टू मूव. पांव भी नहीं हिलाने वरना सारी खराब हो जाएगी मेहंदी. असल में चांद रात मना रहे. चलो जी फाइनली मेरी टर्न आ गई है, मानी अब मेरी मेहंदी लगा रही है. यार फोन में ज्यादा याद काले लग रहे हैं. सही टैन हो क्या यू पाकिस्तान से? फिल्टर लगा, फिल्टर ब्लॉग्स में फिल्टर नहीं ना अच्छे लगते. सही में इस मेहंदी लग रही है अभी पूरी लगती है और रेडी होती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. अभी मैं हिल भी नहीं रही कि खराब ना हो जाए. यहाँ से देख के लगा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सेम सेम. मानी इज़ अ प्रो इन मेहंदी, प्रो प्रो. चलो अभी इफ्तारी वगैरह हमने कर ली है और बर्तन जितने उठा दिए थे, थक गए इतना ज़्यादा. तो अभी बस बच्चे खेल रहे हो, मैं इधर थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना पेट में बड़ी दर्द हो रही है. तो खैर अभी बस थोड़ी देर में हमने बैठना है थोड़ी देर पापा की तरफ और फिर हमने घर के लिए निकल जाना है. तो अभी देखते हैं
क्या करना शर्ना है, कुछ करना तो है नहीं, और कुछ अफ्तारी थी सिर्फ, बैठ के बातें करेंगे, चाय शाय भी पी ली है, तो इसके बाद बस आई थिंक घर ही निकलते हैं, क्योंकि रात को ना बहुत नींद आती है आजकल, पता नहीं रूटीन ही ना सेट हो रही तो बहुत जल्दी नींद आने लग जाती है, तो इस वजह से मुझे था कि बच्चे भी सो जाते हैं टाइम पे ही घर चले जाएंगे, और अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को व्लॉग में ना मेरी आवाज़ बहुत स्लो लगती होगी आजकल, जो भी मैं बात करती हूँ बहुत स्लो स्लो करती हूँ, बिकॉज़ मेरा गला बहुत ख़राब है अभी तक, तो इंशाल्लाह एक दो दिन लगेंगे अभी ठीक हो जाएगा, फिर आप लोगों को व्लॉग्स में मेरी आवाज़ की जो एनर्जी है ना वो सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो अभी देखती हूँ, मैं उधर सारे फिर रहे हैं तो क्या करें, मैं देखती हूँ, वरना ठहर के बस निकलते हैं घर के लिए, और घर जाके आई थिंक सिर्फ सोना है और कुछ नहीं करना। ये देखो भी हसन, वाह जी वाह, कितना प्यारा सेटअप किया हुआ है, ये देखो भी रोहान का कितना अच्छा गैरेज है, चेक करो चेक करो, ओ माय गॉड ही लव्स कार्स, मेरी नंद के बेटे को कितनी पसंद है, माशाल्लाह पूरा इंजन खोल के बैठा हुआ है। बाय बाय, चलो जी हम लोग निकल रहे हैं और बाय बाय कर रहे हैं सारे, हमें आ गई मामा, मम्मा भी आ गई, अच्छा दूध भी देती हूँ, चलो चलो, अरे बच्चों को नींद आई हुई है, बच्चे रो रो के बुरा हाल, हम लोग आ गए थे घर, बच्चे सो चुके हैं दूसरे कमरे में, मैंने उनको लटाया हुआ है, और मैं यहाँ आके चेंज वगैरह किया, जो दोपहर को नाइटी पहनी थी दोबारा वही पहन ली है मैंने, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, उधर से आके मैंने बस मुंह हाथ धोया है, मेकअप शेकअप उतारा है, कपड़े चेंज किए हैं, कि हसन भी नीचे अपना कोई काम शाम कर रहे हैं, पता नहीं कुछ आई थिंक कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किचन में खड़े हैं, तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई ना घर आके, लेकिन खैर अच्छा रहा आज का दिन, ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी बिकॉज ऑब्वियसली कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि वो आना पसंद नहीं करते हैं कैमरा में, तो ऐसे ही है कि हर किसी को मैं कैमरा पे नहीं ले सकती, लेकिन जिनको ले सकती हूँ उनको मैं आप लोगों को दिखा देती होती हूँ, मेरी जो भतीजियाँ मेरी भांजियाँ लगती हैं, भांजियाँ मानी जाना पर वो आ जाती होती हैं, उनके साथ थोड़ा गपशप होती है, लेकिन आज इतना ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं कर सकती जितना मुझे करना चाहिए था, बिकॉज मेरा गला भी ख़राब था, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि बैंड बजी हुई है, खैर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कल मैं चाह रही हूँ कि मेरा गला ठीक हो जाए, दवाइयाँ खा रही हूँ, क्योंकि आज बेहतर हो गया पहले से, कल इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा, लेकिन खैर आज का ये व्लॉग हम लोग छोटा सा ही रखते हैं इफ्तार की दावत का ही, तो कल से इंशाल्लाह नया व्लॉग आएगा, नया दिन, नया रोज़ा, नया रमदान का ब्लेसिंग डे, और इफ्तार इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी मैं क्या बनाऊंगी, कैसे हम घर पे इफ्तार करेंगे, पहली इफ्तारी होने वाली है इस रमज़ान की मेरे घर पे, जो मैंने अभी तक नहीं बनाई, तो खैर अभी इस व्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड कर देते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इफ़ यू गाइट लाइक दिस वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, रमजान का महीना है, सबको याद रखें, मुझे स्पेशली जरूर याद रखें, मैं भी आप लोगों के लिए करूंगी दुआएं, आप लोग भी मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, हर किसी को मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, हर तरह की दुआ, अच्छे नसीब की दुआ, हर तरह की दुआ। खैर अभी हम जिस व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।